से जमीन को लग रहा है। गिर जाओगे नीचे, नीचे आ जाओ। 500 तो वो था ना, तो फिर 800। आपका पढ़ने को दिल नहीं ना करता, इतनी छुट्टियां कर रही है। मौज तारे वगैरह होगी वो सेटअप नीचे रख लेना ना। दुआ मांगो अल्लाह से कि बारिश हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा जी, इस वक्त सुबह 11 बजे का टाइम है। हस्बैंड जो है ना, वो मुझे सब्ज़ी वगैरह दे के तो दोबारा से चले गए ऑफ़िस। सब्ज़ियाँ ख़त्म थी तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे सब्ज़ी वगैरह ले कर दे जाएँ, तो बस वो यहाँ पर रख के तो चले गए हैं जी। बस देखते हैं क्या क्या आया है। पहले तो खोलते हैं जी इस थैले को कि इसमें क्या है। वैसे तो मैंने लिस्ट बना के दी थी क्योंकि मैं घर वापस आ चुकी हूँ और वापस आते ही वही रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आई हैं जी खजूरें। हस्बैंड मेरे को पसंद है इसलिए इतनी सारी खजूरें जो है ना वो ले आए, इनको टोकरी में निकालते हैं। और यहाँ मैंगो भी ले के आए हैं। अच्छा जी, ये आए हैं आलू, टमाटर हैं और गोभी आई है। बना के देखते हैं कैसे बनती है, मतलब के जायके में कैसी है। वैसे मौसम तो नहीं है इसका। और प्याज ख़त्म थे, प्याज भी आ गए। और यहाँ पे क्या आया है जी, वाह जी वाह, यहाँ पे शकरकंदी भी आई है जी। बस गैस आता है तो शकरकंदी भी उबलने के लिए रखते हैं और फिर सब्जियों को भी उठा के ना तो सारा रखते हैं। तो चलिए जी, इनको समेटते हैं। मैंगो धो के रखते हैं फ्रिज में, खजूरें धो के रखते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं। और आज फिर शदीद किस्म की गर्मी है, देखिए सूरज कैसे चमक रहा है ना। 11 बज रहे हैं और बस फिर अभी गैस आता है तो उससे पहले सब्ज़ी वगैरह काटते हैं और फिर हांडी बनाते हैं। अगर आप अभी तक मेरे व्लॉग को देख रहे हैं और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स की, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए जो है ना वो अप्लाई करूँगी। तो बस सब्ज़ियाँ वगैरह समेट के मैं आ गई हूँ जी दोबारा से रूम में, क्योंकि शदीद किस्म की गर्मी है बाहर। और जब मैं आई तो छोटा बेटा जो था ना उसको पढ़ाया जा रहा है, ये सैरें करके आया है तो इसका बिल्कुल भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। और छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं तो इसका कोर्स जो है ना वो भी कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ। तो खैर जी, फिर वो तो पढ़ रहे थे और मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी आलू और गोभी। और आज ये फर्स्ट टाइम जो है ना वो बना रही हूँ। ये है जी नेक्स्ट डे और सुबह का टाइम है। बच्चे जो है ना वो अभी सो रहे हैं और आज संडे है तो बर्तन थे थोड़े से धोने वाले, तो बस मैं फटाफट से पहले तो कर लूँगी बर्तनों को साफ़। चूँकि बर्तन जो होते हैं ना, चाहे मैं साफ़ करके सोऊँ, ये डेली के डेली जो है ना वो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी आ जाओ और काम पे लग जाओ। अच्छा, आलू गोभी बनाई थी तो ये कैसे पॉसिबल था कि इसके पराठे ना बने। और वैसे भी काफ़ी ही देर हो गई थी, मैंने कोई भी स्टफिंग वाला पराठा जो था ना वो बिल्कुल नहीं बनाया था। तो सालन जो था ना वो इतना खाया नहीं गया, तो बस यहाँ पे मैंने आलू गोभी जो है ना उसको निकाल लिया, प्लेट में मैश किया है, थोड़ा सा नमक इसमें शामिल किया है और दूसरी तरफ मैंने रख दी है जी चाय बनने के लिए। और चाय के साथ तो स्टफिंग वाले पराठे जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही मज़े के जो है ना वो लगते हैं। अगर आपको कुछ शोर सुनाई दे रहा होगा तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि बाहर गली में बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। खैर जी, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। मैं इसी तरह स्टफिंग वाला पराठा बनाती हूँ कि दो पेड़े बनाती हूँ और छोटी छोटी रोटियाँ बना के एक पे अच्छे तरीके से सारी स्टफिंग, अगर मूलियों की हो वो लगा लेती हूँ, अगर आलू गोभी की हो तो वो लगा लेती हूँ, आलू हो वो लगा लेती हूँ और दूसरा पेड़े की रोटी बना के ना फिर इसके ऊपर रखते हैं और मज़ेदार किस्म के जो पराठे हैं ना वो बन जाते हैं। और अगर आपने इस तरह दो पेड़ों का पराठा बनाना होता है तो कोशिश करें कि पेड़े छोटे रखें, क्योंकि अगर आप पेड़े बड़े लेंगे ना तो फिर पराठा भारी भी बनेगा और मोटा भी बनेगा। तो अगर हल्का फुल्का पराठा बनाना चाहते हैं तो दोनों पेड़ों में आटे की मिकदार जो है ना वो कम रखें।
अच्छा जी, नाश्ता वगैरह करके तो फिर मैंने सारे काम घर के समेटे और फिर दोपहर को आ गया जी गोलगप्पों वाला। तो बेटा जो था मोबाइल लेके बाहर ही गया, कहीं घूम रहा था, तो बस यहाँ पे उसने फिर अपनी माँ के लिए थोड़ा सा व्लॉग जो था ना वो शूट किया। और यहाँ पे मंगवाए गए हैं जी गोलगप्पे, और गोलगप्पों को जो है ना इंजॉय किया जाएगा। और ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि गोलगप्पे वाला आए और हम लोग गोलगप्पे ना खाएं, क्योंकि बहुत मज़े के गप्पे, इसके गप्पे कह रही हूँ, गोलगप्पे होते हैं। खैर जी, शाम का टाइम है और चूँकि हमारा कंप्यूटर जो होता है ना वो स्टडी रूम में पड़ा होता है या फिर कह लें लिविंग रूम में, तो वहाँ बहुत गर्मी होती है। और बेटा छोटा जो है ना वो बार बार वहाँ जाके कंप्यूटर पे गेम खेलता है, और हस्बैंड ने भी काम करना होता है तो शदीद गर्मी होती है। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि कंप्यूटर जो है ना वो साथ वाले रूम में जहाँ हम रहते हैं सारा दिन वहीं रख लेते हैं, ये ठंडा होता है। तो यहाँ फिर बेटा और हस्बैंड मिलके सारा सेटअप जो है ना उसका ठीक कर रहे हैं, और ये जनाब जो है ना वो बैठ गया है। बहुत शदीद किस्म की आंधी आई है जी आज, फिर बारिश तो नहीं हुई लेकिन आंधी बहुत आ गई है जी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सिवाय मिट्टी के। दरख्त जो है ना नीचे लग रहे हैं जमीन की तरफ। कितनी तेज हवा है ना। अल्लाह करे कि बारिश हो गई, बहुत आंधी है। वो दरख्त देखो कैसे जमीन को लग रहा है। गिर जाओगे नीचे, नीचे आ जाओ। दुआ मांगो अल्लाह से कि बारिश हो। बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, हम तो चाहते हैं कि तेज बारिश हो। बस जमीन ही गिली हुई है, बहुत दुआएं करने के बावजूद भी बारिश तो नहीं हुई जी। बस अल्लाह ताला की मर्जी जी, साल में भी हमें खुश रखे। हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम कुछ ऐसा हो गया जी, बादल बहुत छाए हैं लेकिन हमारे इधर बारिश नहीं हुई जी। अच्छा जी, मुझसे अक्सर इस फ़ैन के बारे में कमेंट किया जाता है कि ये कैसा फ़ैन है, कोई हैरान है, कोई परेशान है। तो ये जी मेरा सेहन है, और सेहन में हमने पाइप लगाया हुआ है लोहे का, और उसके साथ हमने ये सीलिंग फ़ैन जो है ना वो लगाया हुआ है। क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था ना तो हम पेडिस्टल फ़ैन नहीं लगाते थे, वॉकर में चलता था तो फिर वो उसको पकड़ लेता था, तो उसकी सेफ्टी के लिए फिर हमने ये सीन में जो था ना वो फ़ैन लगाया था। तो बस जी, यहीं तक है मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।